भरे जल में कबहू न मरे जल उथल पाए। नारी सुखी पिय दूर बसे कबहू न सुखी पिय कंठ लगाए। जीव मरे कहू आन बसे कबहू न मरे यमुत्रास दिखाए। जीव मरे कहू आन बसे कबहू न मरे यमुत्रास दिखाए। पाप करे सो तरे तुलसी कबहू न तरे हरि के गुण गाए। कबहू न तरे हरि के गुण गाए। मुझ परीझे नहीं भक्त वासल प्रभु सत्व है साधना में कमी रह गई। मुझ परीझे नहीं भक्त वासल प्रभु सत्व है साधना में कमी रह गई। कैसे कह दूँ प्रभु की कृपा में कमी खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई। मुझ परीझे नहीं भक्त वासल प्रभु तो सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर सत कोटि काम जिस पर निछावर हुआ। सुनते हैं ऐसी सरकार की मूर्ति पर सतकोटि काम जिस पर निछावर हुआ। है विनय तर्क से परे मायापति ऐसी माया तुम्हारी प्रबल विश्व में चाह ज्यों ज्यों सुलझे ना उलझे ता गया। चाह ज्यों ज्यों सुलझे ना उलझे ता गया। जीव आराधना में कमी रह गई। कैसे कह दूँ प्रभु की कृपा में कमी खुद मेरी साधना में कमी रह गई। मुझ परीझे नहीं भक्त वासल प्रभु तो ये हृदय मान लो यही धर्म क्षेत्र है। तो ये हृदय मान लो
यही कर्म क्षेत्र है। नंगे पद से दौड़े थे गज ग्राह परो, ये हृदय मान लो यही कर्म क्षेत्र है। नंगे पद से दौड़े थे द्रौपदी के लिए, जिनकी विनती सुनी अनसुनी रह गई, जिनकी विनती सुनी अनसुनी रह गई, तो कहीं वेदना में कमी रह गई। कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी, खुद मेरी साधना में कमी रह गई। मुझ तेरी जे नहीं भक्त वासल प्रभु, तू कर भ्रमण योनि अगणित अमित कष्ट सह करो। हम सब में पाया है मंजिल मनुज देह का, कर भ्रमण योनि अगणित अमित कष्ट सह करो। हमने पाया है मंजिल मनुज देह का, व्यर्थ सारी व्यथा व्यर्थ सारी कथा, व्यर्थ सारी व्यथा व्यर्थ सारी कथा। जो सतगुरु प्रार्थना में कमी रह गई, मुझसे रीझे नहीं भक्त वासल प्रभु। सत्य है साधना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी, खुद मेरी साधना में कमी रह गई। कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कहीं से भी पुकारो, भगवान वहीं से आपकी योगक्षेम करेंगे, सुरक्षा करेंगे। गुरुर्देव महेश्वर, गुरु ही शिव है। नास्ति तत्त्वं गुरु परम, जिसका कभी विनाश नहीं, परम तत्व गुरु है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त करने के लिए ये मनाया जाता है। हमारा आश्रम हृदय में भगवान जितना बता दे ज्ञान, ये भगवान ये दर्शन भगवान दृष्टि बन के आप में खड़े हो जाए, आत्मा जागृत हो जाए, उस दर्शन में जो स्वरूप दिखाई देता है वो है आत्मा। अंतःकरण के अंतराल में आत्मा, सब में रहते हुए सबसे परे परमात्मा। आदि गुरु शिव महायोगेश्वर भगवान ही भगवान हो जाएगा। श्री कृष्ण और नारद इत्यादि बहुत से ऋषियों का नाम आता है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, इतनी बातें मोटी महान है। गुरु मिलना गुरु की विद्या पर और शरण जाना, रोम रोम में मस्ती छा जाना भजन की,
राम भजन बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगे। यदि कोई रस कोई जड़ी पीते तो हरि दर्शन रस घूटी, भगवान के दर्शन रस की घूटी। सूरज ने बदला, चांद ने बदला, मैं बदला गया आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वो कितना बदल गया इंसान। नास्ति तत्त्वम गुरु परम, श्रद्धा से जब नाम का जाप करोगे, राम राम ओम ओम, तब भगवान जो हृदय में विराजमान वो जागृत हो जाएंगे, बोलने लगेंगे, बताने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे, और भगवान बन के खड़े हो जाएंगे सामने और अपने भी खड़े हो जाएंगे। भावे विद्यते देवा, भाव से ही परम देव परमात्मा विदित हो जाता है। Right.
सभी संत जन जो गुरुदेव भगवान के साधक गण हैं, वे अपनी अपनी साधना में साल भर व्रत रहते हैं जगह जगह विविध स्थानों में, और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आकर के गुरु महाराज का दर्शन शरण सानिध्य उनकी वाणी श्रवण और उनके द्वारा साधन क्रम समझ लेने के पश्चात अपने अपने स्थान पर जाकर भजन में लग जाते हैं। जिसके लिए घर द्वार छोड़े हैं उसकी पूर्ति करें, सतत ईश्वर चिंतन में लगे, अधिक से अधिक समय भगवान के भजन में सुमरण में चिंतन में गुरु महाराज के ध्यान में लगाएं। इसलिए आज यह गुरु पूर्णिमा समापन हुआ, आप लोग सब लोगों ने बड़े ही दूर दूर से आकर के यहाँ पर दर्शन दिए और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किए, इसलिए आज यहाँ से सब लोग अभी प्रसाद ग्रहण करके सबको गीता दिया जाएगा, गीता का अध्ययन करें। और वह ईश्वर संपूर्ण भूतादि प्राणियों के शरीर में वास करता है, इतना नदी इतना संगीत हमें सारी मान्यताओं को छोड़कर एक ईश्वर की शरण चले गए तो उसको क्या लाभ होगा, तो बताते हैं कि उनकी कृपा प्रसाद से उन्हें परम शांति शाश्वत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बस अर्जुन गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, इसी विधि के अनुसार विचार कर फिर जैसा करना चाहता है वैसा कर। शक्ति यही है, शोध की स्थली यही है और एकमात्र प्राप्ति के लिए स्थली यही है कि ईश्वर का निवास निर्देश है, जो सारे धर्मों को चिंता को छोड़ कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात एक परमात्मा ने कभी समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है, एक परमात्मा ने श्रद्धा को इसको करना ही धर्म है। तुम्हारे आप महापुर इस मार्ग से चले कैसे भजन किए इस पथ का अनुशीलन ही एकमात्र धर्म का शुद्ध मार्ग है। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किए, सभी संतों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करें और फिर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। हाँ पंगत आप लोग शुरू कर सकते हैं। बोलो हर हर यदि प्रेम किसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। दो चार जनों की बात तो है क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रेम किसी का हो जाए। सबरीन कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। सबरीन कहाँ पर गणिका कब यज्ञ रचाई थी। जिसके मन छले और द्वेष नहीं, जिसके मन छले और द्वेष नहीं, भगवान उसी के हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों यदि प्रेम किसी का हो जाए।
रावण ने राम से वैर किया, अब तक पापी कहलाता है। रावण ने राम से वैर किया, अब तक पापी कहलाता है। वनभक्त विभीषण नाम जपा, वनभक्त विभीषण नाम जपा, घर बार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। Oh,